नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू उषा ब्लॉग्स। कल पूरे देश में, देशी नहीं विदेशों में भी रक्षाबंधन का पवित्र त्यौहार, जो भाई बहन के पवित्र प्रेम और भाई बहन के मतलब रिश्ते से संबंधित जो त्यौहार माना जाता है, बहुत ही हर्षोल्लास से मनाया गया था भारत में और विदेशों में भी। आजकल भारतीय संस्कृति से संबंधित त्यौहार आप लोग जानते हैं, विदेशों में भी बहुत चाव से मनाए जा रहे हैं। हमारे देश में तो खैर सभी जात धर्मों के लोग इस त्यौहार को बहुत ही मतलब आनंद से मनाते हैं और सभी राखी बांधते हैं एक दूसरे को। जो राखी बांध भी नहीं पाते, दूर होते हैं, विश करते हैं, राखी भेजते हैं, फोन करते हैं और बहुत ही आनंद से त्यौहार को मनाते हैं। यहाँ तो मैंने मम्मी लोगों के वहाँ की छोटी सी क्लिपिंग डाल रखी है, और उससे पहले मैं बजेटी गई थी और ससुराल में भी मैंने बहुत धूमधाम से मतलब हम लोगों ने मनाया था। मेरी नंदा आई थी तो सारा मैंने वीडियो के माध्यम से आप लोगों को दिखा रखा है। मिठाई भी खिलाओ, तुम रखे हो गई कहीं। भाई लोगों को तो मैंने राखी बांधी थी अपने, और उसके साथ ही जो मेरी नंदों ने भी अपने भाई को और कुणाल को राखी बांधी थी, पूरा दिखा रखा है। ये देखिए, मैं अपने ससुराल से ही दिखा रही हूँ, कासनी में हूँ अभी। सुबह सुबह मैंने खाना वगैरह सब तैयार कर दिया था सुबह ही, क्योंकि आमा तो बना नहीं सकती हैं। तो फिर मैं आजकल क्या, पहले से ही भी जब मैं मायके आती हूँ तो सारा खाना वगैरह बना के जाती हूँ। ये राखी के अभी रक्षाबंधन नहीं ले जा रहे थे। चलो कोई बात नहीं, एक दिन मिठाई सही। देखिए ननद लोग आ गए, हमारी बड़ी दीदी दीपा दीदी और रेखा भी आ गई हैं। मिठाई वगैरह बहुत जाती है राखी के दिन, सभी जितने भी मेहमान आते ज़्यादातर मिठाई लाते हैं। साथ में फिर मीठा हम लोग कम पसंद करते हैं। आमा को भी शुगर ही हुआ तो तब बोल रहे हैं ये लोग फल फ्रूट लाया जाता है, लेकिन एक दिन राखी के दिन शुभ होता है तो मिठाई चलती है एक दिन। और देखिए फ्रेंड्स, ये दीपा दीदी ने तो राखी बांध ही दी है और फिर रेखा भी बांधेंगी साथ में। फिर जो कुणाल को भी बांधी थी साथ में, रेखा अपने बड़े लड़के को लाई थी, उन्होंने भी उनको भी बांधी थी हमने। एक दूसरे को भी हम लोग बांधते हैं राखी हमारे वहाँ, मतलब भाई बहनों को तो खैर मेन तो भाई बहनों का हुआ, उसके साथ ही आपस में भी हम लोग बांटते हैं। पिछले रक्षाबंधन में भी मैंने आपको जैसे बताया था कि नंद भाभी को, भाभी ननद को और सास बहू को, और जैसे चाची लोग भी मुझे बांटते हैं, तो मम्मी लोग भी मुझे, मम्मी भी बांटती हैं अपनी बेटियों को, बेटी बांधती अपनी मम्मियों को। ऐसे ही आपसी प्रेम का और एक दूसरे की मतलब देखभाल करने का इस तौर पे मनाते हैं हमारे वहाँ ये त्यौहार। लेकिन मेन तो ये भाई बहन का ही त्यौहार होता है, भाई बहन का प्रेम का ही त्यौहार होता है। देखिए ये ननद बांध रही अपने भाई को, और ये राखी इन्होंने अपनी तरफ से ही बांधी थी, और जो बड़ी दीदी हमारी दीप्ती ने तो बांधी थी, खैर जो बड़ी नंदे सास है मेरी बिमला दीदी, उनकी तरफ से ही बांधी थी, और साथ में बुआ जी लोगों ने भी दी थी इनकी राखी, और सक्कू ने भी दी थी, क्योंकि सक्कू की बेटी हुई है जो हमारी भतीजी है, उसका भी ब्लॉग भी आ जाएगा अगला, कल ही भी मैं शेयर कर दूंगी। तो बधाई देने गए थे उसकी बेटी भैया करके, तो उसने राखी भिजवा दी थी। रास्ते में बुआ जी भी मिली थी, मतलब मेरे हस्बैंड की बुआ जी, तो फिर उन्होंने भी राखी बांध रखी, दे रखी थी मतलब। तो रेखा सारी राखियाँ इनको बांध रही हैं। देखिए अब कुणाल की बारी आई है। कुणाल अंशु भी इस बार भी नहीं थी, दूसरी राखी है जिसमें वो नहीं है अपने भैया के साथ, तो अंशु की राखी भी बांध दी थी बुआ ने, अपनी राखी भी बांध ही दी थी जो अपनी तरफ से है, और बड़ी दीदी की तरफ से भी अंशु की तरफ ने दिल्ली भी उनको भी भिजवा दी थी राखी, अपने भाई लोगों को, बुआ और ताऊ जी के जो लड़के हैं उनको भी। दूर भी होता है तो ऐसे हम लोग मना लेते हैं, वीडियो कॉल वगैरह भी करा था अंशु ने, अंशु को भी हमने बधाई दी थी, अंशु ने भी बधाई दी थी अपने भाई को। अब पढ़ाई लिखाई भी ज़रूरी होती है फ्रेंड्स, उतनी दूर से एक एक दिन के लिए आया नहीं जाता है, तो ऐसे ही मना लेते हैं। शुरू शुरू में तो अजीब लगता है, लेकिन बाद में फिर आदत हो जाती है। छोटा भैया तो इधर ही है मेरा 1-8 सालों से, लेकिन बड़े भैया को तो फिर हम लोग राखी भेजते ही हैं। मेरी राखी पहुंच गई थी बड़े भैया को भी, और अंशु ने जो ताऊजी लोगों को भेजी थी वो भी पहुंच गई थी। और देखिए मैं बता रही थी कि बुआ जी अंशु की तरफ से बांध रही हैं, और वहाँ बड़ी बुआ ने बांध दी होगी उसके, अंशु के मतलब भैया लोगों को,
अंशु की तरफ से राखी। तो ऐसे ही जहाँ नहीं जा पाते हैं तो ऐसे ही मनाया जाता है राखी का त्यौहार बहुत धूमधाम से। ये तू भाग कहाँ को रहा है बता मेरे। हाँ जी तेरे जी रहे खुदे रो गया तूने अंदर कर दो ये भी बेटा हुआ थोड़े दिन में पंडित जी भी आ गए थे हमारे गुरु जी जोशी जी। ये जोशी जी ने रक्षा धागा भी बांधा था हमें और जनेऊ भी दी थी मेरे हस्बैंड को चेंज करने के लिए। और मजाक कर रहे थे कि आपके वीडियोस और आपके ब्लॉग से मैं रुचि देखता हूँ, ये भी देखते हैं मेरे वीडियोस और बहुत अच्छे बनाते हो बोल रहे थे। तो फिर मैंने कहा आपकी भी वीडियो बना देती हूँ मैं। देखिए फिर सबको इन्होंने रक्षा धागा बांधा था। देखिए फिर साथ में दूसरे पंडित जी भी आ गए थे हमारे चंद्रवल्लभ गुरु और इनका नाम भुवन गुरु है जो पहले आ गए थे। तो फिर रक्षा धागा वगैरह इन्होंने भी बांधा था। तो जनेऊ चेंज आज करते हैं तो इसीलिए हम लोगों ने धूप धागा और सप्तमी नहीं बांधा था। अब हम लोग बांध लेते हैं फिर राखी के बाद इस बार बांधेंगे, नहीं तो बोरा के व्रत से ही हम लोग बांध लेते थे और बार। और जो ये गुरु जी हैं ये भी आप लोगों ने बहुत बार देखे हैं ब्लॉग में आते रहते हैं। और पहली जय सब ठोल फूल हो पास है बढ़िया राखी चल न बढ़िया हो रहा है तुम्हारी शक्ल खुशी जोशी खुशी जोशी गीत दिख माना नीन खुशी जोशी डिगारी वो गोविंद डिगारी और खुशी जोशी डिगारी पोस्ट ऑफिस में सब खुशी जोशी फैन देखिए ये गुरुजी भी सबको रक्षा धागा वगैरह बांध रहे हैं। और जैसे कि अभी मजाक कर रहे थे कि खुशी जी उसी डिगारी जो हमारे यहाँ कुमाऊँ के कलाकार हैं गायक कलाकार हैं सभी जानते हैं यहाँ उत्तराखंड में उन्हें खुशी जी उसी डिगारी और गोविंद डिगारी जी, तो उनके गाने ने बहुत पसंद है खासकर खुशी जी उसी जी के तो ये बहुत बड़े फ़ैन हैं। और जब भी आते हैं तो हम लगा देते हैं ये हमारे जो स्मार्ट टी वी है उनके गाने तो बहुत ही इंटरेस्ट से देखते हैं ये मतलब ये पसंद करते हैं गाने बजाने जैसे गीत म्यूज़िक सुनने के शौकीन है जो हमारे गुरुजी हैं पहाड़ी म्यूज़िक अच्छा म्यूज़िक भजन वगैरह तो खैर सुनते ही हैं पहाड़ी गाने भी बहुत सुनते हैं। यही है इनके फेवरेट कलाकार गायक गायिका। आप लोग जो कुमाऊँ हैं वो तो जानते होंगे, बाहर के लोगों को भी दिखा देती हूँ मैं थोड़ा एक झलक। फिर कासनी से सीधे मैं बजट ही चले जाती हूँ ज़्यादातर क्योंकि भैया पहले घर में नहीं था। आजकल ही जो मैं इधर आ जाती हूँ कभी कभी, नहीं तो
ज्यादा पहले तो उधर ही जाती थी, आजकल भी पिछली बार भी वैसे उधर ही चली गई थी क्योंकि भैया लोग भी उधर ही थे, तो इस बार भी उधर ही चली गई थी मैं क्योंकि इधर फिर लास्ट में आती हूँ तो रेस्ट करने के लिए भी ठीक होता है। देखिए ये मैं इधर बच्चों को बांध रही हूँ राखी, ये देखो देखिए एक बेटी तो हिमा की है जो ये मेरी चाची की लड़की है, और एक बेटी सुनील का है इधर जो चाची का लड़का है, और बड़ी वाली चाची के माँ तो फिर भी गई थी मैं, उसका कैलाश था मतलब छोटा वाला भैया और उसका बेटा था, बड़ा वाला भैया तो जॉब में चले गया था और उसकी बीवी भी मायके गई थी दीपा, लेकिन मनीषा नहीं गई थी, तो उसकी भी मैंने आप लोगों को दिखा रखा है मतलब राखी बांधते हुए। देखिए इन बच्चों को भी सबको मैंने राखी बांधी थी बारी बारी से, चाची लोगों को हिमा को सभी को बांधी थी राखी, बड़ी चाची को मनीषा को चाचा को। मकान कद करी तुम अरे ने करी गृह प्रवेश अरे वो नौ रात में ठीक हो कहाँ इला थे यो अरे ना 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 देखो कच्ची रोटला अच्छा गाड़ी आ रही है गाड़ी आ रही है इला थे तल तली दूर से मंदिर है तल में अरे मंदिर अच्छा अरे रोडा मल में थी मतलब दो मिनट जहाँ पुराने घर थे वो है मल्ली वो है मल्ली में अच्छा ये बटे हैं वहीं पर खैर बजे देखी रहो लो पकौड़े तले बना रहे थे अजीब सा होता है ना चल हम के साथ बैठे रहेगी मुझे ले जा आलो की चौ में अगर वो हमारे घर से मुझे ले जा आलो कारो ली बिगाड़ा मुझे दुनिया ने भाई बिगाड़ मत है लोग कौन मरे वो मेरा देना है बच्चों को राखी बांध दी थी, फिर हेमा बांध रही है मुझे, चाची ने ही बांधी थी। चाची बता रही थी कि खीर भी खाओ पकौड़ी भी खाओ, मैंने पकौड़ी खाई थी क्योंकि राखी में मीठा बहुत हो जाता है तो मचा मचा सा हो जाता है मुझे, मतलब थोड़ा अजीब सा हो जाता है क्योंकि राखी बांधने तक हम लोग फिर बर्ती भी रखते हैं ज़्यादातर, और साथ में फिर खीर वीर वहाँ भी तला वगैरह पकौड़ी वगैरह बना के आई थी तो पकौड़ी खाई थी चाची के वहाँ, मैंने खीर इधर ही ला गई थी मम्मी के वहाँ, इधर ही खाई थी हमने बाद में गर्म करके। चाचा को राखी बांध दी थी, बड़े चाचा हैं जो मेरे, उसके साथ ही ये छोटे भैया को कैलाश के बेटे को, हमारे वहाँ भाई के बेटे को भी भैया ही बोलते हैं, छोटा भैया फ्रेंड्स भदियो बोलते हैं मतलब भदियो भदे भाई बहन बेटा बेटी को, और देखिए कैलाश को भी मैंने राखी बांध दी है, छोटा वाला बेटा है जो मेरे चाचा का, और चाची की भी मायके जाने की तैयारी हो रही थी क्योंकि देरी हो जाती है हम लोगों को, रुक के ही जाती हैं ज़्यादातर, कभी तो वही लोग आ जा गए थे पिछले साल आप लोगों ने देखा, राखी भेज देती हैं नहीं तो जाती हैं, साल भर का त्यौहार हुआ तो फिर ये दोनों कैलाश ले गया था उनको, काशनी आई थी वो। देखिए ये मैं पहुंच गई हूँ अब, उसके बाद लास्ट में पहुंची थी इधर सीरा मतलब जहाँ मेरी मम्मी लोगों ने बना रखा, मिठाई भी खिलाओ तुम्हें रखे हो गई कहीं भैया को बांधने के बाद फिर मम्मी को भी बांधी थी मैंने, मम्मी ने भी बांधी थी हम दोनों को ही, अंशु के पापा को भी मुझको भी राखी, और देखिए बैठे हैं हम लोगों की अपनी बातचीत भी चल रही है साथ में, राखी भी बांध रहे हैं। हेमा तो मायके गई थी फिर आ गई थी लास्ट में, एक छोटी सी क्लिप भी मैंने उसके साथ ही बनाई है, और मेरे चाची की लड़की भी आ गई थी इधर, हिमा लास्ट में आई थी इधर वो भी, फिर इधर ही से वो अपने घर सतगढ़ को चली गई थी, सतगढ़ है उसका घर, सोने ने छोड़ दिया था उसे स्टेशन तक, फिर वहीं से बैठ के चली गई होगी सतगढ़, बेटी लाई थी वो अपनी छोटी सी, अभी थोड़ा देर में आ जाएगी उसकी भी मतलब वो दिख जाएगी आप लोगों को, खैर उबर बजेटी में तो देखा ही था आप लोगों ने उसे। कैसे कहा करता है।
देखिए हेमा भी पहुंच गई है और फिर इसने भी बांधी थी मम्मी और सोनू को राखी, मम्मी ने भी बांधी थी इसको राखी। देखिए बेटी है इसकी, ये हेमा है, बेटा बड़ा है इसका, बेटे को नहीं लाई थी, वो रह जाता है तो फिर ये नहीं रहती होगी। देखिए ये हेमा भी आ गया है, छोटी सी क्लिपिंग मैंने इसके साथ ही बना रखी है। हेलो कर कैसा रहा फिर मायके में? ठीक होंगे मम्मी लोग, भैया लोग सब, और दीदी लोग भी सब आए थे? दीपा आ गई? अच्छा प्रेमा भी आ गई होगी। चलो भी ठीक है, फिर अब एंड करते हैं फिर इस वीडियो का ना। हैप्पी रक्षाबंधन बोल दे सभी को।